निराश लैंप पोस्ट। यह किस्सा एक लैंप पोस्ट का है। जब भी उसे देखता था एक अजीब सा एहसास होता था। ऐसा लगता जैसे वो हताशा से अपने सिर को झुका है, एक टक सड़क को घूर रहा है, जैसे अपने आप से शर्मिंदा। उसकी पीली रोशनी दुख से पीले पड़े चेहरे सी प्रतीत होती थी। निरंतर जड़ अवस्था में बिना किसी लोभ लालच के अनवरत अपना कार्य कर रहा है। फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसका अस्तित्व लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। लैंप पोस्ट की रोशनी से सड़क तो रोशन है, फिर भी लोगों को अपनी गाड़ियों के प्रकाश की आवश्यकता है। अनगिनत निकलती गाड़ियों के आगे सर झुका है वो, उनका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। परंतु बदले में उसे क्या मिला? बच्चों के पत्थर जो खेल खेल में उसे निशाना बना रहे हैं। खुद की पहचान भुलाकर वो अपने जिस्म पे इश्तिहार लगाकर लोगों को पहचान दे रहा है। कभी अकेले में सिर उठाकर देखता होगा जब चांद को, तो सोचता होगा इस चांद की रोशनी से भी कहां दुनिया रोशन है। फिर भी कहां कोई उस पे उंगली उठाता है? क्या बस इसीलिए कि वो ऊंचा है, बड़ा है? खुद से कभी बात करता होगा वो अकेले? माना मेरे प्रयास आज दुनिया को नाकाफी लगे, मगर मेरी नीयत में ईमानदारी तो है। वरना यूं ही नहीं सालों साल मेरी रोशनी में पढ़कर लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते। गाड़ियों की लाइटों से सड़कों को रोशन कर भी लो, पर मेरी कमी कभी ना कभी तो खलती होगी। अपने मन की ये बात भी किससे कहूं? मेरे अपने भी मुझसे 50 मीटर की दूरी पर हैं।